उन्होंने मुझसे कहा कि शायद आपको ना ये हुआ है, तो आप लोगों को पता है कि नहीं, शायद बान बोला जाता है। तो उनको अच्छे से दिखा के आई हूँ और दवाई भी दी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप आप से बहुत अच्छे होंगे, लेकिन मैं अच्छी नहीं हूँ गाइस। मतलब क्या बोलूँ, एक के बाद एक मेरा प्रॉब्लम आते जा रहा है। क्या बताऊँ मैं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मतलब हुआ क्या है गाइस, मेरे पूरे फेस में पूरा फेस काला पड़ गया है। ये सब पूरा दर्द हो रहा है, ये वाला, ये सब में छोटे छोटे दाना हो गया है, ये सब पूरा दर्द कर रहा है। ये रहा ऊपर, ये रहा इधर, पूरा ये सब जल गया है। आँख के ऊपर भी हाँ पे जला जला लग रहा था। मैं छू रही हूँ तो खड़का खड़का कर रहा है, वो प्लेन नहीं है एकदम भी। तो मुझे लग ही रहा था कि जरूर मुझे कुछ हुआ है। मेरे मन में एक बार ख्याल भी आया, फिर मैं सोची कि नहीं ये नहीं हो सकता है। तो फिर मैं सुबह मेरे हस्बैंड बोले कि आपको वो ही चीज़ हुआ है। तो पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं है। हस्बैंड भी देवर जी थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि शायद आपको ना ये हुआ है। तो आप लोगों को पता है कि नहीं, शायद बान बोला जाता है। पता नहीं कैसे लोग क्या कर देते, समझ में नहीं आता है। मुझे तो इसका समझ में नहीं आता, वो बान मारा जाता है किसी के ऊपर, कोशिश किया जाता है ख़राब करने के लिए, कुछ भी तबीयत ख़राब करने के लिए शायद। तो वही मेरे को हुआ है गाइस, पता नहीं मेरी किससे दुश्मनी है। मेरे चेहरे पर ही कर दिया गया है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। एक तो यहाँ मेरे चेहरे पर एक भी दाग धब्बा नहीं था, एक यहाँ पे हुआ था मेरे मायके में। मुझे दाना तो उसका दाग रह ही गया, अभी तक ठीक नहीं हुआ। जब भी मैं कुछ करने जाती हूँ नैनक में, मुझे लगता है ना कुछ लगा हुआ है, क्योंकि मेरे था ही नहीं फेस में और वैसा लग रहा है इसी वजह से। और पता नहीं जो अभी डर लग रहा है कि क्या पता दाग हो जाए, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बहुत ज़्यादा तबीयत खराब लग रहा था अंदर से, कल रात को भी अजीब लग रहा था, रात भर अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा सुबह भी हुआ है, मम्मी भी फास्टिंग थी, नहीं उठ पाई सुबह, 6 बजे उठी थी। सोचे थोड़ा जल्दी उठ जाऊंगी, लेकिन मम्मी सब काम कर ली थी तब तक उठ के। मैं उठी, नाश्ता वगैरह बनाई, मेरा पूरा रूम फैला हुआ है, देख सकते हैं। मन भी नहीं कर रहा, यहाँ भी पूरा फैला हुआ है, साफ करने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी। तो मुझे वही कर दिया गया है, बांध मारा, जिसको पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, कमेंट बताइएगा। तो वही हो गया है। तो डॉक्टर के पास जाऊंगी, दवाई भी खाना होगा और थोड़ा झड़वाना मतलब कि मौलवी जी से थोड़ा झाड़ फूक करवाना होगा शायद। तो वो करवा के फिर दवाई भी खाऊंगी। तो आज जाऊंगी दवाई लेने के लिए, मिस्टर वह थोड़ा काम से बाहर गए हैं। मैं कल से उनको बोल रही ना, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। ये सब होता है तो पेन थोड़ी ना होता है, ये सब तो होता है ठीक हो जाता है, लेकिन ये सब पेन हो रहा है, मेरे जलन हो रहा है, इचिंग एकदम पूरा बहुत ज़्यादा हो रहा है। तब ना मुझे लगा कि सच में वही चीज़ मुझे हो गया। फिर अपने सास माँ को बताई, अपने मम्मी को बताई, फ़ोन करके सबको बोला कि हाँ वही चीज़ है। तो आज जाऊँगी डॉक्टर के पास। मैं पता नहीं, मेरा डॉक्टर के पास ऑपरेशन के बाद से डॉक्टर के पास ही मेरा लिखा हुआ है, जाना आना। लाइफ में पहली बार, इतनी बार मैं डॉक्टर के पास गई हूँ, तो कभी नहीं। ससुराल में आके तो ये मेरा मतलब कि ऑपरेशन के बाद मेरा चलता ही गया पूरा। आवाज़ भी आप लोगों को मेरा नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत धीरे बात कर रही हूँ मैं इसी वजह से। तो विश्व भगत एक बार आ जाए तो जाऊँगी डॉक्टर के पास, दिखवा के दवाई वगैरह ले लेती हूँ। अभी तो मेरा होम्योपैथी भी चल रहा है, एलोपैथी भी चलेगा, समझ नहीं आ रहा है मुझे। अभी तो पायस मेरा ठीक है फिलहाल, उससे राहत है मुझे। और पैर का भी ठीक नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। पैर में थोड़ा सा चोट लगता है ना, दर्द करता है। देखिए आप लोग, अभी भी लाल है, ये देख सकते हैं, अभी भी थोड़ा थोड़ा लाल है, फूला हुआ है, दर्द भी करता है। इसीलिए ना गाइस, अभी स्टार्ट भी नहीं कर रही हूँ, बहुत कुछ सोच के रखी थी न्यू किचन के लिए, लेकिन अभी मेरा हालत ही ठीक नहीं कि मैं चुप कर पाऊँ, थोड़ा आराम करूँ। अभी सब जल रहा है, पता नहीं किससे मेरी क्या दुश्मनी है, समझ में ना। चेहरे पे हुआ ना, बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, डर भी लग रहा है कि चेहरा मेरा ख़राब ना हो जाए।
पता नहीं, कहीं भी कुछ होता है ना तो इंसान को चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये चेहरे पे ना सबको दिखता है ना, इस वजह से वीडियो भी ठीक पता है। कल भी वीडियो में मेरा पूरा फेस काला काला लग रहा था, वैसे तो मैं कुछ भी नहीं लगाती फेस में पता है, तो भी ऐसा हो गया। चलिए देखती हूँ। तो बहुत तेज बारिश हो रहा है बाहर, मतलब कल परसों से इतना बारिश हो रहा है ना, क्या बताऊँ। एक बार आ जाइए तब इनको बताऊंगी, चलूंगी। हे गाइस, तो डॉक्टर के पास गई थी और आ गई हूँ। डॉक्टर बोल रहे इन्फेक्शन वगैरह हुआ है कुछ भी ऐसा, तो उनको अच्छे से दिखा के आई हूँ और दवाई भी दिए हैं खाने के लिए, और भी मेरे होम्योपैथी वाला दवाई भी बंद हो जाएगा कुछ दिन के लिए। पता नहीं क्या हो गया है, ऑपरेशन के बाद से सिर्फ डॉक्टर ही डॉक्टर, डॉक्टर ही डॉक्टर, डॉक्टर ही डॉक्टर, पागल हो जाऊंगी। और अभी 6:30 बज रहा है, मिस्टर भरत लेकर गए थे, इतना बारिश हो रहा है ना, बारिश नहीं छूट रहा है। तो अभी मिस्टर भरत मोमोज लेकर आए थे तो थोड़ा खाई थी, कुछ भी मन भी नहीं कर रहा, अच्छा नहीं लगा। तो अभी बनाऊंगी आलू का भुजिया पूड़ी और सेवई बनाऊंगी, मेरे तेवर जी को सेवई खाना है। मम्मी बोली पूरी भुजिया, क्योंकि मम्मी कल फास्टिंग थी, मम्मी भी कुछ अच्छा नहीं खा पाई, मैं बना भी नहीं पाई उनके लिए कुछ भी, तबीयत सही नहीं है, वो भी दाल चावल खा के है और करेला भुजिया वगैरह बनाई थी तो वही खा करे वो। तो चलिए फटाफट ये सब करती हूँ, कल तक ठीक हो जाऊँ अच्छे से। मम्मी काट दी है, हेल्प कर देगी मम्मी, आलू भुजिया काट दी है, पूरी वगैरह छानूंगी तो हेल्प कर देगी। तो फिर यहाँ पे मिस श्रीति को लेकर चल गए थे मेडिकल डॉक्टर के पास, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था, इसी वजह से ले गए। तो फिलहाल अभी बैठे हुए थे क्योंकि और जो पेशेंट थे उनको देख रहे थे, उनके बाद हम दवा लेके तो फिर हम लोग घर चले। थोड़ी सी देरी हो जाएगी लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग कंटिन्यू बने हुए हैं। बेचारी का तबीयत थोड़ा ख़राब है, इस वजह से भी लेट हो रहा है ब्लॉगिंग में। क्या बना रहा है, पूरी भुजिया और सेवई बना रहे। तो सूखा सूखा नहीं लगेगा पूरी भुजिया सेवई? हाँ, ठीक लगेगा, सूखा नहीं लगेगा, थोड़ा गीला सब्जी रहता ना अच्छा नहीं, लगता नहीं बनाएंगे झंझट है, पूरी भुजिया भी अच्छा लगता है। ठीक है, यहाँ पे भी बादाम भुज रहे, पिस्ता बादाम। हम नहीं खाते हैं, आप कुछ नहीं खाते हैं, आप सिर्फ बिरयानी खाते हैं बस। I love बिरयानी, वेज बिरयानी। तो आप लोगों ने 2 दिन पहले हमारा एक शॉर्ट्स देखा होगा जिसमें हम लोगों ने एक झूला का ऐड किया, झूला का प्रचार किया, जो कि काफ़ी अच्छा उसमें व्यू भी गया हम लोग का इंस्टा में और यूट्यूब में भी, क्योंकि झूला सच में बहुत ही अच्छा है। और ये रहा झूला, इसका क्वालिटी सच में बहुत ही अच्छा है, हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोग से शेयर कर रहे हैं क्योंकि हम इसको 1 वीक से यूज़ कर रहे हैं। तो बाबू के लिए बहुत ही हमको अच्छा लगा क्योंकि बाबू इसमें आराम से सो जाता है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक स्विंग करता रहता है ना, तो आराम से वो सो जाता है, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा आराम से एकदम, जब ऐसे नहीं सो पाता तो झूले में आराम से सो जाता है। ऐसे तो हम लोग पास झूला है लकड़ी का है, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक वाला नहीं है, उसमें भी सो जाता था लेकिन उसमें पकड़ के झुलाते रहो तो हाथ में बहुत दर्द होने लगता था। इसी वजह से कंपनी की तरफ से हमें कोलेब्रेशन के लिए मैसेज आया कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक झूला है, आप लोग कोलेब्रेट कर लीजिए हमारे साथ और एडवर्टाइज़ कर दीजिए। तो इसलिए हम लोग कल परसों झूला का एडवर्टाइज़ किए, काफ़ी अच्छा झूला था, क्वालिटी भी अच्छा है, स्टील है, पूरा मजबूत है। और ये हम लोग को कंपनी तरफ से दिया गया प्रचार के लिए, जो कि काफ़ी ही अच्छा है। आप लोग भी खरीदना चाहते हैं तो आप लोग उनके वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं, बहुत सारा क्वालिटी का है, बहुत सारा वैरायटी है उसमें भरा पड़ा है। और ये झूले का एक्चुअल प्राइस क्या है आप लोग को बताते हैं। इन झूला जो हम लोग को जो मिला है, हम लोग को जो मतलब जो कैटेगरी का झूला मिला है हम लोग को, क्योंकि इसमें बहुत सारा कैटेगरी का है, जिसमें वाइफ मतलब ब्लूटूथ वाला है और जिसमें मतलब स्पीकर लगा हुआ है और जो फ़ोन से कंट्रोल होता है वो भी है, थोड़ा हाई रेंज का है, वो 12-13 हज़ार तक में है। ये वाला जो हम लोग मिला है इसका शायद रेट पड़ा था हम लोग को 6,000 रुपया और एक्स्ट्रा 1,100 रुपया का इसमें कुछ सामान दिया गया था। ये जो है ना, ये डबल मिला, एक और मिला है जो कि मतलब 1-2 महीना का बच्चा के लिए है, जो कि छोटा, ये वाला तो बड़ा है, तो ये वाला हम लोग बड़ा वाला यूज करें क्योंकि बाबू हम लोग का 5 महीना का है इसी वजह से।
तो इसका प्राइस हम लोग को पड़ा 7100 रुपये से प्राइस है। प्राइस तो हम लोग को नहीं देना पड़ा क्योंकि कंपनी तब से हम लोग को मिला। तो एक्चुअल में इसका प्राइस है 7100 रुपये, 7100 रुपये इसका रेट है। और रेट के हिसाब से क्वालिटी भी अच्छा है, चीज़ भी बहुत ही मजबूत है, ये बहुत ही अच्छा है। सच में मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और अभी बाबू सो रहा है आराम से।